हेलो गाइस, बंसल क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। देखिए, हर साल बहुत सारे बच्चे कोटा जाते हैं, नए बच्चे कोटा जाते हैं। कईयों के तो रिलेटिव्स पहले से रहते हैं, उनके लड़के पहले से रहते हैं, तो ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि नए नए बच्चे कोटा जाते हैं, हम हर बार ही अक्सर यही होता है। तो कोटा जाने से पहले कोटा का हिस्ट्री जान लेना बहुत जरूरी है। तो मैं 3 साल कोटा रहा हूँ, बंसल क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड से मैंने 3 साल कोचिंग की है, 2016, 2017 और 2018, क्लास 11, क्लास 12, क्लास 13। अब बंसल क्लासेस जो कि कोटा का सबसे पुराना इंस्टीट्यूट है, 1984 में जो इंस्टीट्यूट बना और आज के डेट में क्या हो गया है, जीरो, बंद, खत्म। क्या कारण था जो इतना पुराना और इतना अच्छा इंस्टीट्यूट आज के डेट में खत्म हो गया, उसके पीछे क्या कारण था? क्या उसमें बंसल सर की गलती थी या कोटा के और किसी लोगों की गलती थी या हमारी गलती थी? अब चलिए मैं आपको पहले तो बंसल क्लासेस में क्या खासियत थी जो आज किसी भी इंस्टीट्यूट में उतनी खासियत नहीं है, उसकी बात पहले मैं कर लेता हूं। देखिए, सबसे पहले बात, बंसल क्लासेस में एडमिशन लेना IIT में एडमिशन लेने के बराबर था। आज वाली बात नहीं कि कोई भी कोचिंग में पैसे दो एडमिशन ले लो। उस समय क्या था कि आपको 75% लाने थे क्लास 10th में, उतने होने चाहिए तब आपको बंसल क्लासेस का फॉर्म मिलेगा, एडमिशन फॉर्म, ठीक है। अब बंसल क्लासेस का एडमिशन फॉर्म मिलेगा और उसके बाद बंसल क्लासेस का आपका एग्जाम होगा, वो भी एग्जाम में कट ऑफ मार्क्स होता था कि उस मार्क्स के ऊपर रहेंगे तो ही एडमिशन होगा, और उसके बाद भी ऊपर रहने से मतलब नहीं है। आपको बैच कौन सा अलॉट होगा, आपको टीचर्स कौन से पढ़ाने को मिलेंगे, ये सब उस टेस्ट पे डिपेंड करता था। लेकिन आज के डेट में आप देख लो, ऐसा कुछ नहीं है आपके सामने है। आज के डेट में कोई भी बच्चा जाके किसी भी कोचिंग में एडमिशन करवा सकता है। तो सबसे मतलब खासियत थी ये बंसल क्लासेस में, तो उसी कारण जो पहले का रिजल्ट आता था कोटा का, वो कितना अच्छा था। यानी कि आप अगर कोटा में पढ़ रहे हो तो ये ग्रांटेड है कि रिजल्ट अच्छा होना ही है, कोई ना कोई अच्छी संस्था आपको मिलनी ही है। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है ना, अब तो रिजल्ट इतने खराब हो चुके हैं, कोटा में अक्सर सुसाइड हो रहे हैं। पहले ऐसा कहा जाता था कि आप कोटा में अगर जा रहे हो तो आपका IIT होना है, इसलिए होना है कि अगर आप इलिजिबल हो तभी कोटा आपको एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज आप कोटा में रह ही नहीं सकते थे। उस कारण से कई सारे इंस्टीट्यूट खुले। कैरियर पॉइंट इंस्टीट्यूट क्यों खुला था कि अगर बंसल में किसी लड़के का इस साल एडमिशन नहीं हो पाता तो वो कैरियर पॉइंट में जाके तैयारी करता था और अगले साल फिर बंसल का एंट्रेंस देके बंसल क्लासेस में जाता था और फिर JEE का एग्जाम देता था। तो ये रूल था और पहले JEE के अटेम्प्ट्स भी ज्यादा थे। तो अब क्या हो गया कि अब पैसे हैं आपके पास। पहले बंसल सर की मैं मुंह से सुना हुआ, जो हमारा इंट्रोडक्शन क्लास हुआ था उसमें सर ने कहा था कि CM चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, कोटा के जो अच्छे अच्छे MLA MP जो पैसे वाले लोग थे उनका भी लिंक सोर्स पे भी चले जाता था बंसल सर के पास। बंसल सर नहीं लेते थे एडमिशन। VK बंसल सर का एक ही कहना था, इफ यू आर इलिजिबल देन यू आर कमिंग बंसल क्लासेस। लेकिन अब तो आप देख लो, अब तो कहीं भी, अब सब आपके सामने है। और उसके बाद मैं बता रहा हूं कि उनका ये था कि ऐसा नहीं है कि वो आपको नहीं लेते, वो कितने भी बड़े कलर का, वो बस यही बोलते थे कि अगले साल ट्राई कर लेना, इस साल नहीं हो पाया, रूल इज रूल। तो रूल सबके लिए सेम था। तो इस चीज को क्या हुआ कि कई बच्चे को नहीं भी लेते थे। मतलब एक स्टोरी उन्होंने बताया थी, 74.8% आया था लड़के का, वो इतना रिक्वेस्ट किया लेकिन फिर भी उसे नहीं लिए, क्योंकि 75% एलिजिबल का इसलिए है। तो कहीं ना कहीं बद्दुआ भी लगती है, लगती है कि नहीं लगती है? आप इतने सारे लड़के को लौटा रहे हो और पैसे में कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे पैसे देने के लिए तैयार है कि मैं फीस दे रहा हूं। तो इस कारण से जो अदर इंस्टीट्यूट्स है, अब टीचर्स को क्या चाहिए, पैसा चाहिए। बंसल सर को पैसा नहीं चाहिए था, टीचर्स को क्या चाहिए, पैसे चाहिए। अब पैसे चाहिए तो उन्होंने क्या किया कि बंसल से क्विट करके वो जो बच्चे थे उनको गारंटी दी कि आप बंसल में नहीं तो बंसल में तो हम ही पढ़ाते हैं, हम आपको अपने कोचिंग में पढ़ा के JEE का सिलेक्शन JEE में भेजेंगे, IITs में भेजेंगे। तो टीचर्स वहां से निकलने लगे, जो बच्चे बंसल में नहीं हो पाते थे उन्हें वहां से टीचर निकल के वही पढ़ाते थे और उन टीचर्स को पैसे भी ज्यादा मिलते थे और सबके लिए पैसा का है, पैसा तो सबको प्यारा है। तो ये सब तो कुछ कमियां थी जो उस टाइम से लगातार हो रही थी, और ये कमी होते रहा, बढ़ते रहा। लेकिन बंसल क्लासेस अपने मोटो पे अटल रहा कि उनका जो रूल था कि अगर आप में क्वालिटी है तो ही बंसल में एडमिशन होगा। तो अब ये तभी हो सकता था ना कि जब बंसल सर खुद थे, वो तो ठीक थे, 2-4 और अच्छे टीचर थे, लेकिन जो बाकी की पूरी टीम थी, चाहे कोई भी आप अपने ही लेके देख लो, सबको तो पैसा चाहिए ना। तो बंसल को टीचर्स क्विट करने लगे, छोड़ने लगे, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा थे जो कोटा में रहना तो चाहते थे लेकिन उन्हीं टीचर से पढ़ना चाहते थे। तो बंसल से वो टीचर्स हटके अपना छोटा छोटा कोचिंग खोलने लगे। अब छोटा कई सारे कोचिंग है जिनके आप नाम भी नहीं सुनेंगे जो खुल के बंद हो गई। मुझे पढ़ाते थे PMS सर, उन्होंने हमें ये स्टोरी बताई थी, पीयूष महेश्वरी सर। तो
ये जो छोटे छोटे कोचिंग्स खुलने लगे, उन्हें वही टीचर्स मिलने लगे, बिजनेस शुरू हो गया, क्वालिटी घटने लगा, अब उन बच्चों का भी एडमिशन होने लगा, लेकिन उन कोचिंग्स में जहां जो कि मतलब इलिजिबल नहीं थे, बंसल सर को पता था कि 75% से कम है तो IIT मुश्किल है, उसलिए वो ये रूल किए थे कि भाई आपके पास 75% से कम है तो आप नहीं, मतलब वहां मुश्किल है, IIT इतनी इजी तो है नहीं और आज भी इजी नहीं है। लेकिन लड़कों को था कि नहीं मुझे तो कोटा में ही पढ़ना है, पेरेंट्स को था कि मुझे तो कोटा में ही पढ़ना है, तो क्या होने लगा कि बिजनेस होने लगा। बिजनेस होते 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 बंसल लगातार डाउन जा रहा था, लेकिन इतना धीरे धीरे जा रहा था कि हमें पता नहीं चला था। लगातार डाउन होते गया वाइब्रेंट बनी, और डाउन होते गया एलियन बनी, उसके बाद और मतलब पार्ट वाइज टीचर्स निकलने लगे, पहले रेजिलियंस बन चुकी थी। तो ऐसे करते करते ये तो जितने भी अभी कोचिंग से ये सब बंसल के ही पार्ट्स हैं। जो मेन था, जो बॉस था बंसल सर, की तबीयत खराब हुई और कोचिंग जो है आज बहुत पीछे जा चुकी है। आज भी जो बंसल क्लासेस का रिकॉर्ड है, उनके नाम पे जो रिजल्ट्स का रिकॉर्ड है, वो किसी भी इंस्टीट्यूट का अभी तक नहीं हो पाया, क्योंकि उनका सिलेक्शन रेशियो बहुत ज्यादा था। स्टूडेंट जो आते थे उनका सिलेक्शन होता था, लेकिन अब धीरे धीरे एलएन ने बहुत इंप्रूव करा, लेकिन सिलेक्शन रेशियो मैं मानता हूं रिजल्ट दे रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी रैंक आ रही है। पहले ये सब रिकॉर्ड्स बंसल के नाम थे, लेकिन कितने बच्चे गए ये भी तो देखो। उनमें तो एक बिल्डिंग थी बंसल की छोटी सी, उसमें बच्चे जाते थे, वहां से AR1, AR2, AR3, AR4 आते थे, लेकिन अब तो इतने सारे बच्चे उसमें से AR1 आ रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? पूरे ऑल इंडिया में किसी भी इंस्टीट्यूट में लड़का अगर LN में है तो LN वाला उसका प्रचार करेगा। और भी देखिए, यही है वो बंसल क्लासेस का मटेरियल, देखिए मैथमेटिक्स, जो आज भी इन्हीं का मटेरियल पूरे कोटा में सर्कुलेट हो रहा है, उन्हीं के इंस्टीट्यूट में बना हुआ मटेरियल। और आप आजकल आप पढ़ते ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री, जो तीन अलग अलग बटे, ये शुरुआत कहां से हुई? बंसल क्लासेस, पहले तो एक केमिस्ट्री थी, एक साथ पढ़ाते थे, सबको पार्ट वाइज बांटा गया, जितने भी रूल्स है, मतलब स्टूडेंट को इजीएस्ट मेथड से पढ़ाने के जितने भी तरीके हैं, सबकी शुरुआत कहां से हुई? बंसल क्लासेस हुई। लेकिन हाँ, मैं ये भी बात मानता हूं कि बंसल क्लासेस कुछ नहीं, मतलब कुछ तो किए बंसल सर तो किए, लेकिन उनके साथ जो टीचर्स थे, जो उनकी टीम थी, उनमें भी काबिलियत थी, उनमें भी दम थी, वो सब बट गए। इसमें सबकी गलती है, किसी एक इंस्टीट्यूट अगर गलती क्या कर, अब अपना है जिसको पैसा तो पैसा है ना, अब उनका था कि नहीं हमें पैसा चाहिए, वो बंसल क्विट किए, सबने क्विट किया, उसके बाद बंसल ने भी ये रूल खत्म कर दिया, 75% वाली क्राइटेरिया, जो आना है जिसको आना है सब आ जाओ, सबका एडमिशन होने लगा, कोटा एक बिजनेस मार्केट बन गया, आज के डेट में कोटा में इतने बच्चे हैं। तो ये सब कुछ फैक्ट्स थे। देखिए मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, 5 times AIR1 produces the only institute in our country। ये देखिए इतना अच्छे अच्छे रिकॉर्ड्स है, और जिस साल आप देखिए 2008 और जिस साल नहीं AIR1 है, उस साल AIR2 है, AIR3 है, लेकिन है क्योंकि रिजल्ट अच्छा था, बच्चे क्वालिटी थे, बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिलती थी, एजुकेशन आज भी मिल रही है, लेकिन अब एक बैच में 200 बच्चे होंगे भाई, तो जो उस लेवल के हैं उनपे तो ऑब्वियसली फोकस हो नहीं पाया, और कंपटीशन भी बढ़ गया है, बैचेस बहुत सारे हैं, टॉप बैचेस में ही अच्छी फैकल्टीज हैं, तो ये सारे चीजें हैं। तो यही थी बंसल क्लासेस के बारे में जो मुझे पता था, मैं 3 साल वहां रहा हूं, तो मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए, उस इंस्टीट्यूट के बारे में आप लोगों को जानना भी चाहिए। वो एक ऐसी हस्ती है कि मुझे लगता है जब उनकी देहांत होगी तो उस दिन मुझे लगता है कोटा बंद रहेगा, क्योंकि कोटा को बसाने वाले वही है। 1980 में की मैं बात कर लूं, मेरे एक रिलेटिव वहां पे फौज में थे, तो उनकी पोस्टिंग कोटा में थी। आप देखते होंगे जब रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ेंगे तो एक फौजियों का एक वो भी है कैंप, तो उसमें उनमें उनकी पोस्टिंग, तो 1980 में वो बताते हैं वहां पूरा जंगली जंगल था, कुछ नहीं था वहां पे, लेकिन वही आप देख लो 1984 से बंसल क्लासेस की स्टार्ट हुई, और आज आप कोटा देख लो, मुंबई से कम नहीं है कोटा, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इतना डेवलपमेंट। मैं तो खैर लास्ट ईयर ही वहां से लौटा हूं, लेकिन मैंने काफी सारी इंफॉर्मेशन वहां के बारे में कलेक्ट की, क्योंकि मैं कहीं भी जाता हूं तो पूरी चीज, पूरी जानकारी उस जगह के बारे में लेता हूं। तो यही था मेरा आज का वीडियो। और हाँ, एक और बात बता दूं कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसमें राइज अबव हेट नाम की हमने वेब सीरीज भी बनाई है कोटा स्टूडेंट्स के लिए, वहां क्या होता है, हालांकि उसकी शूटिंग कोटा में नहीं हुई है, लेकिन आपको एकदम रियलिटी लगेगा, बस आप ये मान के देखना कि कोटा में ही हो रही है और हर चीज उसमें रियलिटी दिखाई गई है, ठीक है। और सो थैंक यू, और प्लीज इसको लाइक करिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा। ओके।